जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, आई थिंक मेरे ख्याल से अनीस साहब को, मेरे ख्याल से उससे बेहतर परफॉर्मेंस आज तक नहीं आई है डबल रोल की जो यूसुफ साहब ने राम और श्याम में की थी। Who do you think is the best actor ever in the Hindi film industry? Well, to me, Dilip साहब, Dilip Kumar. Especially Dilip साहब की परफॉर्मेंस से बहुत इंस्पायर रहा हूँ मैं। आई थिंक जितना प्रिविलेज मुझे दिया, जितना कंफर्टेबल दिलीप साहब ने मुझे दिया, लेकिन मैंने दिलीप कुमार साहब से सीखा बहुत कुछ। Who do you think is the best actor ever in the Hindi film industry? Well, to me, Dilip Saab, right. Dilip Kumar, and I've never really looked beyond that because right. He's been my idol, and I've watched every one of his works, and I always feel that whenever the history of Indian cinema will be written, it'll always have, you know, before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. That's almost like a yardstick. This is Zahid from Rajkot. You've been an inspiration to many struggling actors, but when you were struggling, who was your inspiration and who is now? Struggle ke time pe aapke inspirations kaun the aur aaj aapke inspirations kaun hai? Main performance se jo actor ki performances hoti thi unse kafi inspire raha hoon. Ji. Aur bahut sare actor the usme jaise Dilip saab hain. स्पेशली दिलीप साहब की परफॉर्मेंस से बहुत इंस्पायर रहा हूँ मैं, और बच्चन साहब की और नसी साहब, इन लोगों की परफॉर्मेंस से बहुत इंस्पायर रहा हूँ। कुछ क्या हम लोग हिंट देख रहे हैं दिलीप साहब की मांझी में? अभी सीइंग अ बिट ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऐसे मैंने बताया था, पीले कपड़ों में आप, पीले शर्ट में आप हैं। हाँ, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है, जो डायलॉग बोलने का जो अंदाज़ होता था उनका, जो लय होती थी, स्पेशली जो रिदम होती थी उनकी, वो सिर्फ ट्राई की है मैंने। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक लोगों को वो जचता है। जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो इंस्पायर हुए थे, वो राम और श्याम, और राम और श्याम भी ये एक रीमेक थी। और मुझे याद है जब वो फिल्म रिलीज हुई थी, आई थिंक मेरे ख्याल से अनीस साहब को, मेरे ख्याल से उससे बेहतर परफॉर्मेंस आज तक नहीं आई है डबल रोल की जो यूसुफ साहब ने राम और श्याम में की थी। योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? दिलीप कुमार। मुझे डर है दिलीप साहब के साथ काम करनी है, बिकॉज आई वॉज द बिगेस्ट फैन ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार सिंस माई चाइल्डहुड, एंड मैंने उनके साथ पिक्चरें की, विधाता सुपरहिट, कर्मा सुपरहिट, सौदागर डुपरहिट, और पहली फिल्म के दिन ही मैंने उनसे कह दिया कि साहब मुझे एक बात बताइए, दिलीप साहब आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े एम्परर हैं, सबसे बड़े बादशाह एक्टर हैं, सब स्टार्स आपके फैन हैं, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि तुम ये फिल्म जो दिलीप कुमार साहब बना रहे हो सुभाष, इसका डायरेक्टर कौन होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसका डायरेक्टर कौन होगा? तो उन्होंने मुझे एक बात कही, इस पिक्चर के डायरेक्टर तुम हो, तुम। उसके बाद तीनों पिक्चर में आज तक कभी भी दिलीप साहब ने, 10 साल में काम किया हम लोगों ने, कभी भी एक बार नहीं कहा कि ये सीन क्यों है और ये नहीं होना चाहिए और मुझे रोल सुनाओ। सिर्फ आइडिया स्टोरी सुनते थे, बस सिर्फ स्टोरी और अपना रोल सुनते थे, अब तुम अपना काम करो। अधिक जितना प्रिविलेज मुझे दिया, जितना कंफर्टेबल दिलीप साहब ने मुझे दिया, लेकिन मैंने दिलीप कुमार साहब से सीखा बहुत कुछ। उनके पास ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर आते थे, उस टाइम पे 2-2 करोड़ रुपया सामने रख के लेकर ले आते थे कि आप हमारी पिक्चर की, कभी पिक्चर नहीं करते थे, बिकॉज दिलीप कुमार एक वो शख्सियत थी जिन्होंने हमेशा काम की लालसा की है, अच्छे काम की, एक्सीलेंस, सिर्फ एक्सीलेंस चाहिए उनको, कुछ नहीं चाहिए। जो एक्सीलेंस है उसके लिए वो अपनी जान भी दे देंगे, अपना खाना भी खिला देंगे। अगर आपने पैसे की बात की तो आपको नफरत की नजर से देखेंगे, आज अगर पैसे की बात करो तो आपको प्यार की नजर से देखते हैं। दिलीप कुमार में सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं थी। यही मैंने भी सीखा और मैंने भी यही किया, मेरा काम जो भी है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। आज भी मैं यही सोचता हूँ, आज भी मेरी वैसी है तबीयत है, तो थैंक्स टू दिलीप साहब। फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ शूटिंग, हाँ, ये दूसरे, ये जब साफी का आप शॉट बोल रहे हो ना, उसी वो फर्स्ट स्केड्यूल में ये सब हुआ था। पद्मावती चेंबर्स वाज द फर्स्ट स्केड्यूल दैट वी शॉट, बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट विद द रोमांस एंड ही वांटेड मी एंड दीपिका टू कनेक्ट एंड ही वांटेड दैट सुर टू कम राइट, अदरवाइज द फिल्म डजंट वर्क। जी जी जी। बिकॉज इफ देयर लव स्टोरी डजंट वर्क देन यू डोंट केयर वेदर दे लिव और डाई, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सो आई केम आउट ऑफ माई वैन एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है, एंड दे सेड 3 घंटे का डिले है। सेड क्या हो गया? सेड नहीं, वो कुछ कॉस्ट्यूम में प्रॉब्लम हो गया। So I went back in my van, I sat down, क्या करें, I opened my laptop and I saw Mughal Aazam. So then I suddenly remembered, I said, हाँ, I told my manager to put this film just for reference somewhere. I put the film on, I watched the whole film and the shot wasn't ready. It was like God had sent that time to me to watch that film. जी. And I just saw Dilip Saab in the film. And I was like, this is it.
Because his character in the film, first of all, is not the most fundamental character. The drama is between Akbar and between Anarkali. And his character in the film is very stoic, very staid, very internalized, very royal, very proper. It had all those elements, you know. So honestly, that film and that performance became like my Bible for me. Okay. I was like, okay, now I understand something. You know, it's like, it was just God sent.